हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फ्री फायर में जितने भी टॉप लेजेंडरी M87 के स्किन है उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्किन जो है सबसे बेस्ट है। और उसी के साथ ही साथ सबसे मेन चीज, किस स्किन से आप इजिली हेडशॉट मार लेंगे, मतलब कि वन टैप मार लेंगे, ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कंपेयर करने से पहले हम सभी के जल्दी जल्दी एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हैंड ऑफ होप M87 और वन पंच मैन में सिंगल डैमेज है और डबल रिलोड स्पीड। उसके बाद यहाँ पर रैपर अंडरवर्ल्ड में आपको डबल रेट ऑफ फायर मिलता है और सिंगल रिलोड स्पीड। और यहाँ पर गोल्डन ग्लेयर में डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल रेंज। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिकल पैरेट में सिंगल डैमेज और सिंगल एक्यूरेसी। उसके बाद यहाँ पर विंटर लैंड में डबल रेंज और सिंगल मूवमेंट स्पीड प्लस मिलता है। तो सबसे पहले हम डैमेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन ग्लेयर से हम विदाउट वेस्ट बॉडी पर मार के देखते हैं कितना डैमेज आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक शॉट मारने पर 170 का डैमेज और दूसरे शॉट मारने पर 340 का डैमेज। उसके बाद जब हम वन पंच मैन से विदाउट वेस्ट बॉडी पे मार लेते हैं तो यहाँ पर एक शॉट में 180 का डैमेज और दूसरा शॉट मारने पर 360 का डैमेज, मतलब कि एक शॉट में 10 डैमेज ज्यादा और एक रिलोड में 20 डैमेज ज्यादा। और अब हम तीन लेवल के वेस्ट पे गोल्डन ग्लेयर M87 से मार के देखते हैं। तो यहाँ पर एक शॉट मारने पर 60 का डैमेज आता है और टोटल 200 शॉट मारने पर 120 का डैमेज। और जब आप वन पंच मैन से तीन लेवल के वेस्ट पे मारेंगे तो एक शॉट मारने पर 80 का डैमेज और दूसरा शॉट मारने पर टोटल 160 का डैमेज, मतलब कि एक शॉट में 20 डैमेज ज्यादा और एक रिलोड में 40 डैमेज ज्यादा। और बाकी बचे दूसरे स्किन्स, तो इस साइड में जो है उसमें आपको वन पंच मैन जैसा सेम डैमेज देखने को मिलेगा और इस साइड में जो है उसमें गोल्डन ग्लेयर जैसा सेम डैमेज देखने को मिलेगा। और मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं इस तरह क्योंकि अगर आप सबका हम कंपेयर करने लगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप थोड़ा बोर भी होने लगे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया। मतलब कि इस साइड में आपको हर स्किन में सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा और इस साइड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि जो इस साइड में सिंगल डैमेज से आपको एक शॉट में 20 डैमेज ज्यादा देखने को मिलेगा तीन लेवल के वेस्ट पे और एक रिलोड में 40 डैमेज ज्यादा देखने को मिलेगा आपको तीन लेवल के वेस्ट पे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे रेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर वन पंच मैन से हम देखते हैं कि दो बुलेट फायर राउंड में कितना लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वन पंच मैन से दो बुलेट फायर राउंड में लगा 0.40 सेकंड, मतलब कि एक बुलेट में 0.20 सेकंड। लेकिन जब आप गोल्डन ग्लेयर या रैपर अंडरवर्ल्ड से फायर करेंगे तो यहाँ पर दो बुलेट फायर राउंड में लग रहा है 0.30 सेकंड, मतलब कि एक बुलेट 0.15 लगेगा फायर होने में। और बाकी बचे दूसरे स्किन्स का आप भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रैपर अंडरवर्ल्ड और गोल्डन ग्लेयर को दो बुलेट फायर में लगेगा 0.30 सेकंड और बाकी इधर जो है वन पंच मैन और बाकी जो भी स्किन से इसको दो बुलेट फायर होने में लगेगा 0.40 सेकंड। हालांकि एक साथ आप जब दोनों को देखेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तो इस साइड वाले जो है इनको लगेगा 0.30 सेकंड और इस साइड वाले जो है इनको लगेगा 0.40 सेकंड। तो अभी तक मैंने दो चीज का टेस्ट किया जिसमें अलग अलग स्किन का एक एक पॉइंट हुआ, लेकिन अब मैं तीसरा टेस्ट करने जा रहा हूँ, मतलब रिलोड स्पीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल पैरट का रिलोड स्पीड जिसमें ना कोई प्लस है और ना ही माइनस, मतलब कि नॉर्मल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको रिलोड में लग रहा 1.30 सेकंड। उसके बाद हम अपना देखेंगे गोल्डन ग्लेयर M87 का जिसमें रिलोड स्पीड माइनस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिलोड में लग रहा 1.40 सेकंड। और सेम इसी तरह जो हमारा विंटर लैंड है उसमें भी रिलोड स्पीड माइनस है, सिंगल रिलोड स्पीड माइनस है, तो वहाँ पर इसको भी रिलोड में लग रहा 1.40 सेकंड। लेकिन यहीं पर जो हमारा रैपर अंडरवर्ल्ड है इसमें सिंगल रिलोड स्पीड आपको मिलता है और इसको रिलोड होने में लग रहा यहाँ पर आप देख 1.20 सेकंड। लेकिन यहाँ पर वन पंच मैन में डबल रिलोड स्पीड है, इसको रिलोड होने में लग रहा 1.10 सेकंड। और सेम इसी तरह हैंड ऑफ होप का भी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे M87 के रिलोड स्पीड, और आपको पता ही होगा M87 के लिए रिलोड स्पीड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन सभी चीजों को देख के आपको पता चल गया होगा कौन से स्किन का ज्यादा पॉइंट हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको विदाउट स्किन से एक गेम प्ले का एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एनिमी को दो शॉट मारा, एनिमी तीन लेवल का बेस्ट पहना हुआ, एनिमी मरा नहीं और मेरा गन रिलोड पर लगने की वजह से और मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन यहीं पर जब आप वन पंच मैन से मारते हैं दो शॉट, तो नॉर्मली दो शॉट तीन लेवल के वेस्ट से भी मार के गिरा देंगे, लेकिन अगर बाई चांस अगर एनिमी नहीं भी मरता है तो आप फटाक से रिलोड होकर अपना तीसरा शॉट भी मार देंगे वन पंच मैन से, जिसमें ज्यादा डैमेज आएगा। इसके साथ ही साथ तीसरा चीज जो इसमें एक्यूरेसी माइनस है उसमें आपको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, मतलब कि एक्यूरेसी माइनस होने की वजह से आप जब ड्रैग करेंगे वन पंच मैन से तो इजिली आपको हेडशॉट देखने को मिलेगा किसी भी तरह आप जब ड्रैग करेंगे। या आपको क्लियर दिख रहा है कि कितना इजिली वन टैप लग रहा है M87 वन पंच मैन से। तो डैमेज के मुकाबले में भी, रिलोड स्पीड के मुकाबले में भी और वन टैप के मुकाबले में, तीनों चीज में जो वन पंच मैन है वो बेस्ट है। इसलिए अभी तक का जो सबसे बेस्ट M87 है वो है हमारा वन पंच मैन।